हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी बेटे, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन। और बेटे, इस पे लगता है इंड एएस 103। बच्चों का पहला डाउट कि जिंदल सर, क्या हमने इससे रिलेटेड कुछ इंटर में पढ़ा हुआ है क्या? बिल्कुल पढ़ा हुआ है जी। आपने इंटर में बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 पढ़ते हैं एमलगमेशन का, और फाइनल में आके ये बन गया आपका इंड एएस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन ये बन गया है इसमें। जैसे ही मैंने लिखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमेलगामेशन, बच्चों के चेहरे पे स्माइल कि जिंदल सर, अमेलगामेशन तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर बच्चे आप ये बात सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 और इंड एएस 103 आपस में मैच ही नहीं करते। विचारधारा ही बदल गई। यकीन मानिए, इंड एएस 103 में आप ऐसा कुछ पढ़ने वाले है ही नहीं जो आपने अमेलगामेशन के चैप्टर में पढ़ाओ। थोड़ी बहुत बातें, कितनी, 20% 25%, दैट्स इट। बस कोई 20-25% कॉन्सेप्ट काम आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ये चैप्टर एक न्यू कॉन्सेप्ट है, एक न्यू टॉपिक है आपके लिए। और प्लीज इसको पढ़ते वक्त इंटर वाला अमेलगामेशन याद भी मत करना, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओ, क्योंकि इसमें अमेलगामेशन जैसा कुछ है ही नहीं। मैं यहां पे इंटर लेवल की कोई बात करूंगा ही नहीं आपके साथ, मैं आपके साथ एडवांस लेवल की बात करूंगा बिजनेस कॉम्बिनेशन की। इसको पढ़ने का, इसको समझने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है बेटे। शायद आप लोग सोच रहे हो कि जिंदल सर चैप्टर शुरू करो ना, मैं करता हूँ बेटे। चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि ये चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट है। और जो लोग इंटर का अमेलगामेशन फाइनल में रिपीट कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलत फहमी में है, क्योंकि जब मैं इस पर बोलना शुरू करूँगा आप खुद ही समझ जाओगे कि नहीं सर, ये बिल्कुल डिफरेंट है, और इसका इंटर के चैप्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन है सर, और ये यूरोपियन है सर, और एक बात जान के आप सारे बच्चों को हैरानगी होगी, कि आई एफ आर एस थ्री जिसके बेसिस पे हमने इंड एएस 103 कन्वर्ज किया, मतलब हमारा सोर्स क्या है इंड एएस का, हमारे इंड एएस का सोर्स है IFRS। बोलो हाँ या ना? हमने IFRS से ही इंड एएस बनाए हैं। आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी कि ये इकलौता IFRS है जिसमें कि यूरोप और US इन दोनों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने मिलके काम किया है। मतलब IFRS 3 ये अमेरिका और यूरोप इन दोनों के जॉइंट एफर्ट से बना है। इसमें यूरोपियंस ने भी काम किया है और अमेरिकन्स ने भी काम किया है। तो पूरे वर्ल्ड में, चाहे आप अमेरिका चले जाओ चाहे यूरोपियन कंटेंट में चले जाओ, आप यूरोप में, अमेरिका में इसी अकाउंटिंग को पाओगे। तो अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो इस पे यूरोप और अमेरिका ने मिलकर अगर काम किया है तो दोनों कंट्रीज में अकाउंटिंग सेम है। और यकीन मानिए 2004 में पहले सिर्फ यूरोप वालों ने बनाया था, फिर इसको विड्रॉ करके 2009 में
अमेरिका और यूरोप दोनों ने मिलकर इसको दोबारा से रिवाइज किया। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है बेटे, वो तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो तो सिंपल वर्जन है, वो तो लिमिटेड एक्सटेंट है, उसमें तो कुछ जान ही नहीं थी। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं, हम जो शुरू करने वाले हैं, ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ग्लोबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूरोप भी कवर हो गया, अमेरिका भी कवर हो गया, और पूरी दुनिया में अकाउंटिंग को लेके दो ही तरह की विचारधारा है, अमेरिका और यूरोप, और तो कोई विचारधारा है ही नहीं। और वो दोनों सहमत हैं इस पे, यानी अमेरिकन्स भी अपनी कंट्री में बिजनेस कॉम्बिनेशन पे IFRS 3 लगाते हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बेटे, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहता था कि प्लीज़ इसको इंटर के माइंडसेट के साथ मत पढ़ना, ये इंटर वाला अमेलगामेशन नहीं है आपका, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है, और इसके दायरे और इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा लार्ज 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 वॉल्यूम में है, कंटेंट ही बहुत ज़्यादा है बेटे। तो मैं बिल्कुल आराम से प्यार से पढ़ाऊँगा आपको, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बिल्कुल प्यार से पढ़ाऊँगा जी आपको। मैं इस टॉपिक को शुरू करना चाहता हूँ। और आज की क्लास में हम पहला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, आज की क्लास में हम पहला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। आज की क्लास में हम पहला कॉन्सेप्ट कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। अगर मैं आपको डेफिनेशंस बताना चाहूं बेटे, अगर मैं आपको डेफिनेशंस बताना चाहूं, तो मेरे पास तीन चीज़ें हैं, मेरे पास तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आज की क्लास में। नंबर वन, मीनिंग ऑफ बिजनेस। नंबर टू, मीनिंग ऑफ एसेट्स एक्विजिशन। नंबर थ्री, मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये तीन चीज़ें मुझे आपको समझानी है। मैं कोई अकाउंटिंग पे नहीं बोलूँगा आज, मैंने आप आज अकाउंटिंग पे बोलना ही नहीं, मेरे को आज बेसिक चीज़ें बतानी है। बेटे एक बात समझो, बिजनेस कॉम्बिनेशन तो दूर की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए बिजनेस का मीनिंग क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन तो बाद में पढ़ेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन को समझने से पहले बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस का मतलब क्या है, और ऐसी कोई भी डेफिनेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ IFRS 3 में है, IND AS 103 में है। अरे चैप्टर की तो हमने हेडिंग ही नहीं बनाई, ये कैसे हो गया आज? सारे बच्चे अपनी कॉपी में एक हेडिंग बनाओ, सारे बच्चे अपनी कॉपी में एक हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाई नहीं हमने आज, ये कैसे हो गया? 103 हेडिंग में लिख लेना प्लीज। हम आज की क्लास में जो चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन।
दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। हम इस चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन यहां पे उठता है एक डाउट कि जिंदल सर हम बिजनेस पे चर्चा क्यों करें। बेटे बहुत जरूरी है बिजनेस पे चर्चा करना, क्योंकि अगर आपको बिजनेस ही क्लियर नहीं है तो बिजनेस कॉम्बिनेशन भी क्लियर नहीं हो पाएगा। नहीं समझे बात। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड स्टॉक ये परचेज किए। एक्स कंपनी ने वाई कंपनी से प्लांट खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, स्टॉक खरीदा, चार एसेट्स खरीदे। अब कंफ्यूजन ये आएगा कि जब हम ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात करेंगे, जब हम ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात करेंगे तो हम इसकी अकाउंटिंग एसेट्स एक्विजिशन की करें या हम इसकी अकाउंटिंग बिजनेस एक्विजिशन की करें। यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। भी मान लो मैं किसी एंटरप्राइज से कोई चार पांच एसेट्स का ग्रुप इकट्ठा ले आया, तो कई बार परचेजिंग कंपनी को यह डाउट हो जाता है कि मैंने उसके एसेट्स खरीदे या मैं उसका पूरा बिजनेस खरीद के ले आया। तो आपको जब तक यही नहीं पता कि बिजनेस का मतलब क्या है और एसेट एक्विजिशन का मतलब क्या है, जब तक इसका कंपैरिजन आप नहीं करोगे तब तक बिजनेस कॉम्बिनेशन में शुरू ही नहीं कर सकता। तो आपको देखने में लगेगा कि नहीं यार बिजनेस एक्विजिशन की तरह ही है, हमने उसके सारे एसेट्स खरीद लिए। तो सारे एसेट्स खरीदने के बावजूद भी कई बार वो बिजनेस नहीं होता और बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में नहीं आता। तो देखने में आपको लगेगा कि एक तरह से बिजनेस एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन बिजनेस एक्विजिशन होते हुए भी वो उस डेफिनेशन में नहीं आएगा। और अगर वो उस डेफिनेशन में आएगा ही नहीं तो वो इंड एएस 103 के दायरे से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इंड एएस 103 है वो एसेट्स एक्विजिशन पे लगता ही नहीं, एसेट्स एक्विजिशन पे लगता ही नहीं, बिजनेस एक्विजिशन पे लगता है। तो इसलिए बेटे आपको बिजनेस का जब तक मीनिंग क्लियर नहीं है तब तक आप डाउट में रहोगे कि मैंने बिजनेस खरीदा या मैंने उससे एसेट्स खरीदे। मेरी बात समझ रहे हो आप? अच्छा, तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसके लिए मुझे टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को बिजनेस कॉम्बिनेशन का नाम देना चाहता हूँ, बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, बिजनेस एक्विजिशन का नाम देना चाहता हूँ कि मैंने उस कंपनी का बिजनेस खरीद लिया है, तो मुझे कुछ टेस्ट पास करने पड़ेंगे और वो टेस्ट बिजनेस की डेफिनेशन में है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन सीखने से पहले आपको बिजनेस की डेफिनेशन पे काम करना पड़ेगा, तो फिर आप कभी भी मार नहीं खाओगे ट्रांजैक्शन को वैल्यू करने में कि मैं बिजनेस खरीद रहा हूं या उसके एसेट्स खरीद रहा हूं। मेरी बात समझ आओ? तो ये बात आपको देखनी पड़ेगी सर। पहली डेफिनेशन है सर, मीनिंग ऑफ बिजनेस। सबसे पहली बात है मीनिंग ऑफ बिजनेस।
बिजनेस कॉम्बिनेशन है क्या, एक कंपनी का बिजनेस दूसरी कंपनी ने परचेज कर लिया, हम उसे बिजनेस कॉम्बिनेशन कह देते हैं। तो वो देखने में आपको वही लगेगा कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में मर्ज हो गया, नहीं समझे। अब मान लो एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो एक्स कंपनी ने जब वाई कंपनी को टेक ओवर किया तो वाई का बिजनेस किस में मर्ज हो जाएगा, एक्स में मर्ज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है। या फिर एक्स और वाई ने मिलकर एक नई कंपनी बना ली एक्स वाई लिमिटेड, तो दो कंपनियां मिलकर काम चला रही हैं, तो ये क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। पर बच्चे प्लीज मैं इस पर अभी बोलना नहीं चाहता, मैं इस पर बोलूंगा जब मैं यहाँ पे आऊँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कितने तरह का हो सकता है। तो मैं अभी बोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि चैप्टर वही है लेकिन पढ़ेंगे नए माइंडसेट। तो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ बेटे आपका, और सबसे पहला टारगेट है बिजनेस का मीनिंग समझना। As per the provisions, of Ind AS 103, business means an integrated set of input and process that create or has ability to generate revenue. मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन से पहले बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहते हैं जी बिजनेस में नंबर वन इनपुट, नंबर टू प्रोसेसेस और नंबर थ्री रेवेन्यू, नहीं समझे। अगर आप बिजनेस की बात करो तो बिजनेस में सबसे पहला स्टेप इनपुट होना चाहिए, प्लस फिर इसमें प्रोसेसेस होने चाहिए, और फिर इसमें आउटपुट होना चाहिए। तीन चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसका मतलब बिजनेस है, और जो खरीदा गया वो बिजनेस ही खरीदा गया। और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर आपने बिजनेस नहीं खरीदा, आपने एसेट्स खरीदे। सर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, अकाउंटिंग अलग अलग है। बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग अलग है और एसेट एक्विजिशन की अकाउंटिंग अलग है, दोनों अलग अलग हैं। एक पे 103 लगेगा, एक पे 103 नहीं लगेगा, फर्क है बेटे, दोनों में फर्क है। अब मैं जरा इस पे बोलना शुरू करता हूं।
मैं इस पे बोलना शुरू करता हूँ, सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले है इनपुट। इनपुट का मतलब है एसेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। बिजनेस के पास सबसे पहले इनपुट होना चाहिए। इनपुट का मतलब टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स होने चाहिए। अगर आप किसी एंटिटी को खरीदने की बात कर रहे हो और हम उस एंटिटी को बिजनेस मान रहे हैं, तो बिजनेस का पहला काम उसके पास टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स होने चाहिए। अगर आपके पास एसेट्स ही नहीं है, अगर आपके पास एसेट्स ही नहीं है, तो आप रेवेन्यू कहाँ से कमाओगे? मैं अपनी पेन ड्राइव क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले एक प्रीमाइसिस चाहिए जहाँ मैं अपना स्टूडियो बना सकूँ। नंबर टू, फिर मेरे को रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स चाहिए। कैमरा ही नहीं है तो क्लास कैसे रिकॉर्ड होगी, मुझे बताना आप जरा। मेरी बात समझ गए आप? टेंजिबल इनटेंजिबल। फिर मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब जितनी भी चीज़ें मैं अपने प्रोफेशन में यूज़ कर रहा हूँ वो सारे मेरे टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स हैं और मैं उन्हें इनपुट कह सकता हूँ। तो इनपुट के लिए किसी भी एंटिटी के पास एसेट्स का होना बहुत ज़रूरी है बेटे। नंबर टू, प्रोसेसेस। नंबर टू प्रोसेसेस, इसका मतलब है वर्कफोर्स। आपके पास स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए, स्किल्ड स्टाफ, क्योंकि अगर आपके पास वर्कफोर्स ही नहीं है तो आप अपने इनपुट को प्रोसेस कैसे करोगे, आप अपने एसेट्स को यूज कैसे करोगे? तो एसेट्स को यूज करने के लिए आपको स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। तो अगर आपके पास एम्प्लॉयज हैं, मतलब एसेट्स भी हैं, आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉयज भी हैं, तो दो कंडीशन पूरी मानी जाएंगी। लेकिन इसमें भी वर्कफोर्स दो तरह की हो सकती है, एक प्रोडक्शन लेवल पे और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। हमें वर्कफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्शन वाली वर्कफोर्स चाहिए। हमें वो वर्कफोर्स चाहिए जो कि काम के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है। एक होता है फैक्ट्री की वर्कफोर्स और एक होती है शोरूम की वर्कफोर्स। शोरूम वाले एडमिनिस्ट्रेशन सेल संभालते हैं, वो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट्री में वर्कफोर्स आपके पास होनी चाहिए। तो अगर कोई स्टाफ आपका बिल काट रहा है, अगर कोई स्टाफ आपका एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? रिवेन्यू जनरेट करने के लिए बिल काटने वाले बंदे की जरूरत नहीं है, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले बंदे चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया या आपने कोई सर्विस देनी है, तो आपके प्रोफेशनल जो डायरेक्टली इंगेज्ड हैं, तो रिवेन्यू तैयार हो जाएगा आपका। तो फैक्ट्री में अगर प्रोडक्ट तैयार होते हैं तो रिवेन्यू का जनरेशन फैक्ट्री के अंदर ही होता है। वो तो शोरूम खोलते हैं रियलाइजेशन के लिए कि माल बनाया और बेचने के लिए। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्किल्ड वर्कफोर्स। हल्दीराम का भुजिया फैक्ट्री में बनता है, मेरी बात समझ रहे हो आप? जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्री में बनते हैं, वहां पे स्किल्ड स्टाफ चाहिए आपको। बेचने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं सर, सेल्स फोर्स की बात नहीं हो रही यहां पे, प्रोडक्शन फोर्स की बात हो रही है। तो पहले तो एसेट्स होने चाहिए, फिर आपके पास एक वर्क फोर्स होनी चाहिए, स्किल्ड स्टाफ, स्किल्ड एम्प्लॉयज, जो कि एक आप सिस्टम कह सकते हैं, आप उसे सिस्टम कह सकते हैं, आप उसे प्रोटोकॉल कह सकते हैं, आप उसे मैनेजमेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह दीजिए। कि आपने एक सिस्टम बना लिया काम करने का, या आपने काम करने का एक प्रोटोकॉल तय किया है,
वो उसी पे काम करेंगे, स्किल्ड स्टाफ चाहिए। इनपुट का मतलब है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, और प्रोसेसेस का मतलब है स्किल्ड प्रोडक्शन वर्कफोर्स, और आउटपुट का मतलब है बेटे आउटपुट, और ये है रेवेन्यू। तो अगर आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास वर्कफोर्स है, और आप इन दोनों को मिला के रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस बन जाएगा। तो बिजनेस की तीन ही खास बात होती हैं, बिजनेस के पास एसेट्स होते हैं, बिजनेस के पास वर्कफोर्स होती है, और बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है। खैर, रेवेन्यू जनरेट करना या ना करना वो अलग बात है। कंडीशन दो मेन है आपकी। मैं आउटपुट को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा, मैं आउटपुट को इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि ये साफ साफ कहते हैं दैट क्रिएट्स और एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू, क्रिएट्स एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू। या तो ये क्रिएट कर रहे होंगे या इनके अंदर पोटेंशियल होगा, ये फ्यूचर में भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इनपुट और प्रोसेस, इसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए रेवेन्यू जनरेट करने की, चाहे तो वो रेवेन्यू प्रेजेंट रेवेन्यू और चाहे वो फ्यूचर रेवेन्यू। या तो वो क्रिएट कर रहे होंगे या उनके अंदर एबिलिटी होगी कि वो रेवेन्यू जनरेट कर देंगे। इसका मतलब चीजें तीन हैं पर रिक्वायरमेंट दो हैं, नंबर वन इनपुट और नंबर टू है प्रोसेसेस। तो अगर हम उससे पूछो कि जिंदल सर इनपुट की डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा इनपुट मीन्स एन इकोनॉमिक रिसोर्स दैट क्रिएट्स और हैज एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू। When process is applied to it, जिंदल सर एक बात बताओ, बात तो आपकी समझ में आ गई हमें कि बिजनेस में एसेट्स होनी चाहिए, वर्कफोर्स होनी चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए। आपने अभी अभी एक बात बोली ये फ्यूचर रेवेन्यू, सर ये बात थोड़ी सी समझ में कम आई। एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू, सर ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई। इसका मतलब है बेटे, मान लो मेरी कोई रिसर्च चल रही है, मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, तो सोचो ज़रा अगर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ और मेरी वो रिसर्च पेटेंट स्टेज पे है, मतलब रिसर्च कंप्लीट हो गई है मेरी, तो मेरे पास एसेट्स तो हैं ही, बिना एसेट्स के तो मैं रिसर्च कर ही नहीं पाऊंगा। रिसर्च करने वाली टीम भी होगी, अब मुझे पता है कि वो मार्केट में बिक ही जाएगा, तो रिवेन्यू नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में तो आ सकता है ना। उसके अंदर कैपेबिलिटी है, जो रिसर्च मैंने कंप्लीट की है अभी और मैंने उससे पेटेंट जनरेट करना है अभी, या पेटेंट जनरेट हो चुका है, सेल जनरेट नहीं हुई अभी तक, तो भी वो बिजनेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकता है क्योंकि रिसर्च कंप्लीट हो गई है। सेल ही तो नहीं हो रही, सेल हो जाएगी। एबिलिटी टू क्रिएट रेवेन्यू, आज रेवेन्यू क्रिएट नहीं कर रहा कोई बात नहीं, पर उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो रेवेन्यू जनरेट कर लेगा। तो ये सब बिजनेस की डेफिनेशन में आते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिजनेस की डेफिनेशन के लिए रेवेन्यू होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस की डेफिनेशन के लिए एक तो इनपुट का होना बड़ा जरूरी है और दूसरा प्रोसेसेस का होना बड़ा जरूरी है। अच्छा जी,
इनपुट का मतलब है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अब मुझे बताओ, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 पढ़ते हैं वो ऐसे थोड़ा ना शुरू करते हैं कि बिजनेस की डेफिनेशन पे लगे रहो। सेकंड प्रोसेसेस, प्रोसेसेस मीन स्किल्ड वर्कफोर्स, स्किल्ड प्रोडक्शन वर्कफोर्स। वी डोंट कंसिडर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफोर्स अंडर दिस हेडिंग। पेपर में इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक केस स्टडी बना के दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि बताओ ये बिजनेस है कि नहीं है। और यकीन मानो आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, थ्योरेटिकल हैं लेकिन हैं, आपको पढ़ने चाहिए। नंबर 3, आउटपुट मीन्स रेवेन्यू। डिविडेंड्स और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर इन्वेस्टर्स, मेंबर्स भाई। रेवेन्यू होगा तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल जाएगा, फाइनेंसर को ब्याज मिल जाएगा, है ना, इन्वेस्टर को उसकी रिटर्न मिल जाएगी। ये 3 चीज़ें होंगी तो हम मानेंगे कि बिजनेस काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, जिंदल सर ये 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 कोई पढ़ने वाली बातें हैं? तो ऐसा करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन चेक कराता हूँ जो आपके स्टडी मटेरियल में हैं। जब आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आपकी तसल्ली हो जाएगी, नहीं सर ये पढ़ना ज़रूरी था। बिजनेस कॉम्बिनेशन से पहले आपको बिजनेस का मीनिंग पता होना चाहिए। और एसेट एक्विजिशन और बिजनेस एक्विजिशन में डिफरेंस तभी कर पाओगे जब आपको बिजनेस का मीनिंग पता होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि एसेट खरीदने हैं कि बिजनेस खरीदने हैं। नहीं समझे, मैं क्वेश्चन चेक कराता हूँ, शायद आपको बात समझ में आए। बेटे मैं आपको ज़रा क्वेश्चन चेक कराता हूँ। ये देखो, ये सारी थ्योरी आपकी बुक में गिवन है, बिजनेस की डेफिनेशन भी गिवन है, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस गिवन है, सारी बात ठीक। लो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन है इसके अंदर, पर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आप खुद कर लेना,
लेकिन मैं क्वेश्चन भी समझाऊंगा, इसका आंसर भी समझाऊंगा आपको, बस लिखने का टाइम बचेगा क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर वन केयरफुली पढ़ो बेटे, जरा देखते हैं ये बिजनेस है या बिजनेस। क्वेश्चन पढ़ा बेटे आपने, क्वेश्चन पढ़ा आपने, ये देखो मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चन आपको। एक कंपनी इसमें है एक्स और ये लीकर मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये ट्रेड करते हैं नंबर ऑफ इयर्स से, मतलब काम करते हुए काफी साल हो गए। दी कंपनी produces wide variety of liquor, कंपनी कई तरह के लीकर बनाती है, ठीक बात है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में कहता है बेटे हमसे, ये देखो आप, employs a workforce of machine operators, मशीन ऑपरेटर प्रोडक्शन में यूज होता है, टेस्टर ये भी प्रोडक्शन में यूज होता है, एंड अदर ऑपरेशनल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। मार्केटिंग नहीं भी होता, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं भी होता, काम चल जाता, पर हमारे पास प्रोडक्शन वाला स्टाफ होना जरूरी है। इट ओन्स एंड ऑपरेट्स अ फैक्ट्री, वेयर हाउस एंड मशीनरी एंड होल्ड्स रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये कहना चाहता है कि इसके पास अपनी फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, इसके पास इन्वेंट्री भी है। नहीं समझे, टेंजिबल एसेट्स का इशारा दे रहा है आपको। अगर मेरे पास फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, इन्वेंट्री है, तो टेंजिबल एसेट्स मेरे पास हैं, मेरे पास ऑपरेशनल स्टाफ भी है, यानी इनपुट भी है और प्रोसेसेस भी हैं, और जो शराब हम बनाते हैं वो हमारा आउटपुट है, मार्केट में बिक जाता है, रेवेन्यू आ जाता है, यानी डेफिनेशन तो सेटिस्फाइड है, इनपुट भी है, प्रोसेस भी है, आउटपुट भी है। क्या कहता है आगे, ऑन फर्स्ट जन कंपनी वाई पेज $80 million टू एक्वायर 100% ऑफ ऑर्डिनरी वोटिंग शेयर्स ऑफ एक्स। इसने इस कंपनी में 80 मिलियन दिए और 100% शेयर खरीद लिए। नो अदर टाइप ऑफ शेयर हैज बीन इश्यूड बाय एक्स, यानी सारे के सारे शेयर्स, मतलब कंपनी हमारी हो गई, 100% इन्वेस्टमेंट कर दी हमने। ऑन द सेम डे द फोर मेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ वाई टेकन ऑन द सेम रोल्स इन एक्स, और वाई कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने एक्स कंपनी की कमान संभाल ली। अब आपको ये बताना है कि ये एसेट एक्विजिशन है
या बिजनेस एक्विजिशन है। वाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या कर रहे हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आप अपना फोकस एक्स पे रखना। एक्स के पास इनपुट है, प्रोसेसेस हैं, आउटपुट भी है, आउटपुट नहीं भी होता तो भी काम चल जाता। ये देखो क्या कहते हैं, इट इज क्लियर दैट एक्स इज अ बिजनेस, इट ऑपरेट्स अ ट्रेड विद अ वैरायटी ऑफ एसेट्स दैट आर यूज्ड बाय एम्प्लॉयज इन नंबर ऑफ एक्टिविटीज, दीज एसेट्स एंड एक्टिविटीज आर नेसेसरीली इंटीग्रेटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रोडक्ट्स। तो कोई मसला ही नहीं है सर, बिजनेस की डेफिनेशन में आते हैं। हाँ, बिजनेस खरीद है। अच्छा सर, बिजनेस खरीद है, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अकाउंटिंग तो बेटे बाद की बात है, मैं अभी बिजनेस सोच रहा हूँ कि मैंने बिजनेस खरीदा कि नहीं खरीदा। हाँ, मैंने बिजनेस खरीदा। अच्छा जी, मैं ज़रा सेकंड क्वेश्चन चेक करना चाहता हूँ। ये देखो, सारे बच्चे टाइम लगा के सेकंड क्वेश्चन पढ़िए ज़रा प्लीज़, और मुझे बताइए कि बिजनेस खरीदा कि नहीं खरीदा। मुझे अकाउंटिंग वाउंटिंग कुछ नहीं करनी, बस बिजनेस ढूंढना है कि बिजनेस है कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बेटे प्लीज। मुझे बताओ ये बिजनेस है कि नहीं है। बोलो बोलो, बिजनेस है कि नहीं है? कंपनी डी इज अ डेवलपमेंट स्टेज एंटिटी, हैज नॉट स्टार्टेड रेवेन्यू जनरेटिंग ऑपरेशंस। अभी तक इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं भी किया है तो बस ये टेस्ट करना है कि रेवेन्यू जनरेट करने की एबिलिटी है क्या, और अगर रेवेन्यू जनरेट करने की एबिलिटी है तो वो आउटपुट की कंडीशन के लिए सफिशिएंट है। तो रेवेन्यू एक्चुअल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं जरा, द वर्क फोर्स कंसिस्ट्स ऑफ मेनली रिसर्च इंजीनियर्स हु आर डिवेलपिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट हैज पेंडिंग पेटेंट एप्लीकेशन। अच्छा, रिसर्च करने वाले इंजीनियर्स रखे हुए हैं। तो बेटे एक बात बताओ, रिसर्च करने वाले इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव तो नहीं हो सकते? रिसर्च करने वाले इंजीनियर आपकी प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अगर रेनबैक्सी कंपनी, अगर पीरामल हेल्थ केयर, अगर गैलेक्सो, ये फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, ये अपने साइंटिस्ट के इन्वॉल्वमेंट के बिना तो दवाइयाँ बना ही नहीं सकती। तो इनके जो साइंटिस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा ना है, वो तो इनकी स्किल्ड वर्क फोर्स है, वो फॉर्मूला बनाएंगे तभी तो दवाई बनेगी। तो रिसर्च इंजीनियर्स हमारे वर्क फोर्स है। तो मेरी सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड है, और वो है प्रोसेसिस की। अच्छा, नेगोसिएशंस टू लाइसेंस दिस टेक्नोलॉजी टू अ नंबर ऑफ कस्टमर्स आर एट एडवांस स्टेज। कस्टमर्स को बेचने की बात हो रही है ना? ये जो टेक्नोलॉजी है, ये नंबर ऑफ कस्टमर्स को
बेचने की बात चल रही है। कस्टमर डी नहीं सॉरी कंपनी डी रिक्वायर्स एडिशनल फंडिंग टू कंप्लीट डेवलपमेंट वर्क एंड कमेंस प्लान्ड कमर्शियल प्रोडक्शन। कंपनी को पैसा चाहिए ताकि रिसर्च कंप्लीट हो जाए और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। इसका मतलब कंपनी के पास रिसर्च इंजीनियर्स भी हैं तो रिसर्च करने वाली लेबोरेटरी भी होगी, और अगर कंपनी के पास लेबोरेटरी है एसेट्स भी होंगे, बिना एसेट्स के थोड़ा ना रिसर्च हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी एक बिजनेस है, और अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में आ सकता है। द वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स इन डी 750 मिलियन, कंपनी ए पेज 600 मिलियन इन एक्सचेंज ऑफ 60% इक्विटी, दिस। तो मुझे बताओ ए कंपनी ने क्या खरीदा, ए कंपनी ने एसेट्स खरीदे या फिर ए कंपनी ने बिजनेस खरीदा? बताओ, बिजनेस की डेफिनेशन सेटिस्फाइड है ना? बिजनेस की डेफिनेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए बस। जिंदल सर बिजनेस कहाँ खरीदा सर, 60% शेयर खरीदे वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं जब बिजनेस कॉम्बिनेशन में आऊंगा तब आपको वैरायटी बताऊंगा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कितने तरह का हो सकता है ना। मैंने क्या बोला था, अमेलगामेशन वाली टेक्निक छोड़ दो, ये बिल्कुल नया चैप्टर है, स्टार्टिंग में स्लो है, थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा आपको, लेकिन प्लीज मन लगा के पढ़ना। अगर आप मन लगा के नहीं पढ़ोगे आगे जाके फंस जाओगे। तो अभी सिर्फ जोर दो बिजनेस के ऊपर। हाँ बिजनेस है, इंजीनियर्स हैं, एबिलिटी टू जनरेट रिवेन्यू भी है। और देखो ये क्या कहते हैं, ऑल्दो कंपनी डी इज नॉट येट अर्निंग रिवेन्यूज देर आर नंबर ऑफ इंडिकेटर्स दैट इट हैज सफिशिएंटली इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एसेट्स दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग मैनेज्ड टू प्रोड्यूस रिटर्न टू इन्वेस्टर, कंपनी डी। और अगर कुल मिला के हम बात करें तो ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है, एक दो तो हम इसमें लिख सकते हैं कमेंट्स में, मेन पार्ट तो रह गया। यस कंपनी डी इज अ बिजनेस, कंपनी डी इज अ बिजनेस। जिन बच्चों को बिजनेस की डेफिनेशन नहीं पता वो बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या पढ़ेंगे सर? हमने एसेट्स नहीं खरीदे, हमने बिजनेस खरीदा। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटे। इंस्टीट्यूट पागल थोड़ा ना जो इस डेफिनेशन के ऊपर इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्होंने, कुछ तो बात होगी। चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह पढ़ते रहो, बोरिंग लगता है लगने दो, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ना है आपने, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके फायदे आपको आगे जरूर नजर आएंगे कि बिजनेस के डेफिनेशन पढ़ के आपने क्या किया, इसके फायदे आपको पक्का समझ में आएंगे बेटे आगे। फटाफट से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये कहते हैं जी, एक कंपनी ने 100% इक्विटी यानी वोटिंग पावर पी कंपनी की खरीद ली है। अगर मैं पी कंपनी के 100% शेयर खरीद लूंगा तो कंपनी मेरी हो गई। अ सब्सिडरी ऑफ अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ग्रुप, ये कंपनी पहले कभी एक सब्सिडरी हुआ करती थी किसी इन्वेस्टमेंट ग्रुप के, पर मैंने इस कंपनी के 100% राइट्स खरीद लिए हैं, कंपनी मेरी हो गई। अच्छा, कंपनी पी ओन्स 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक बात है, पी के पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, इसके पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, इसके पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज मतलब कंडीशन वन सेटिस्फाइड। कंडीशन वन क्या थी? इनपुट। इनपुट का मतलब क्या था? टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टीज होना टेंजिबल एसेट्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। डन। अगर ये प्रॉपर्टीज हैं तो किराया भी आता होगा, तो आउटपुट भी डन, मतलब इनपुट भी है आउटपुट भी है, प्रॉपर्टीज भी हैं रेवेन्यू भी होगा। मुझे आगे पढ़ने दो जरा, क्या कहते हैं? दी प्रॉपर्टीज आर सिंगल टेनेंट इंडस्ट्रियल वेयर हाउस। अच्छा, तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज वेयर हाउस बना के किसी एक ही एंटिटी को दे रखी हैं, एक ही कंपनी किराएदार है हमारी, सिंगल टेनेंट है। सब्जेक्ट टू लॉन्ग टर्म लीज, अच्छा फाइनेंस लीज होगी, ठीक है। द लीज टू प्रोवाइड बेसिक मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। लीज एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, लीज एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, लीज एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि तीनों प्रॉपर्टीज की मेंटेनेंस और सिक्योरिटी पी प्रोवाइड करेगा। पी का मतलब लेसर, लेसर प्रोवाइड करेगा। विच हैव बीन आउटसोर्स्ड टू द थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स है। कर लो बात। मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, मैंने तीनों किराए पे चढ़ा दी, मेरा किराएदार मुझसे कहता है कि इसकी सिक्योरिटी तुम बियर करोगे, मैंने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसी थर्ड कंपनी को दे दी। मैंने कोई एम्प्लॉय नहीं रखा, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, मैंने आउटसोर्स कर दिया थर्ड पार्टी को। दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज वॉज कैरिड आउट बाई एन एम्प्लॉय ऑफ इट्स फॉर्मर पेरेंट कंपनी ऑन पार्ट टाइम बेसिस ऑन दिस इंडिविजुअल डज नॉट ट्रांसफर टू द न्यू ऑनर। बेटे बात सुनना, एडमिनिस्ट्रेशन एक एम्प्लॉय संभाल रहा है, तो मैंने तो आपको शुरू में कह दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं चलेगा, हमें तो प्रोडक्शन स्टाफ चाहिए। कौन सा स्टाफ चाहिए? प्रोडक्शन, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। तो इसमें देखो इनपुट भी है, इसमें आउटपुट भी है, इसमें प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस का मतलब मेरे पास वर्क फोर्स नहीं है, और जब मेरे पास वर्क फोर्स नहीं है तो मैंने बिजनेस नहीं खरीदा, मैंने बिजनेस नहीं खरीदा, मैंने बिजनेस खरीदा ही नहीं, मैंने तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। तो ये बन गया एसेट एक्विजिशन का केस, और इस ट्रांजैक्शन पे इंड एएस 103 लग ही नहीं सकता। और अगर आपने इंड एएस 103 लगा दिया, नंबर कट गए। अब बताओ मेरी बताई हुई बात की कोई इंपॉर्टेंस समझ में आई? तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया और आपने इसकी अकाउंटिंग इंड एएस 103 की तरह कर दी, नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे बताओ? तो मैं इसको बिजनेस बिजनेस एक्विजिशन मानता ही नहीं बेटे, मेरे लिए है ही नहीं। और यही चीज आंसर में लिखी हुई है। हाउ एवर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ स्पेसिफिक केस इन विच अर्निंग अ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेट अकॉर्डिंगली रिवेन्यू जनरेशन एंड एक्टिविटीज दैट आर स्पेसिफिक। ये सारी कहानियां पढ़ सकते हैं। इन आवर व्यू द परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद टेनेंट्स एंड सर्विसेज प्योरली एंसिलरी
एज एन एसेट परचेज। ये पूरी कहानी आप रीड कर सकते हैं, लेकिन ये कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी बस इतनी सी। ये तो एज एन एसेट परचेज है। मैं कहता हूँ पेपर में क्वेश्चन ना आए, पेपर में क्वेश्चन ना आए, ठीक है मैं आपकी बात से, पर कम से कम पता तो लग गया ना कि बिजनेस एक्विजिशन में और एसेट एक्विजिशन में क्या फ़र्क है, ताकि जब मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूँ तो आगे जाके आप मेरे को ट्रबल ना करूँ, है ना। अच्छा एक चीज़ और देखो, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, शायद इसमें आपका आंसर बदल जाए, शायद इसमें आपका आंसर चेंज हो जाए, शायद इसमें आपका आंसर रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बेटे। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक लाइन का अंतर है पिछले क्वेश्चन से और आपका आंसर बदल जाएगा। ये देखो कंपनी ए ने 100% राइट्स खरीद लिए हैं क्यू के, और क्यू के पास 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। दी प्रॉपर्टीज़ आर मल्टी टेनेंटेड रेजिडेंशियल, सारी बात समझ में आ रही है जी, सब्जेक्ट टू शॉर्ट टर्म रेंटल एग्रीमेंट्स, मेंटेनेंस भी देनी है, सिक्योरिटी भी देनी है, विच आर आउटसोर्स्ड विद स्पेशलिस्ट प्रोवाइडर्स। सारा क्वेश्चन सेम है, कुछ भी नहीं बदला। आगे देखो, कंपनी क्यू हैज़ 5 एम्प्लॉयज़ हु डील डायरेक्टली विद टेनेंट्स एंड विद द आउटसोर्स्ड कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिजॉल्व एनी नॉन रूटीन सिक्योरिटी और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। एक लाइन से क्वेश्चन बदल गया, इनके पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं और ये 5ों एम्प्लॉयज़ इस किराए के बिजनेस को संभालते हैं। टेनेंट को कोई दिक्कत है तो भी, कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है तो भी, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है तो भी, मतलब 5 लोग हमारे बिजनेस को संभाल रहे हैं। तो पिछले एग्जांपल में ये 5 एम्प्लॉयज़ गायब थे, अब ये 5 एम्प्लॉयज़ आ गए हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्वड हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो पक्की बात है मेरे पास वर्कफोर्स है, और अगर मेरे पास वर्कफोर्स है तो मैं इस ट्रांजैक्शन को बिजनेस मान सकता हूँ और बिजनेस कॉम्बिनेशन के दायरे में आ जाएगा। देखो कितना फर्क है। दीज एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्वड इन अ वैरायटी ऑफ लीज एग्रीमेंट्स टास्क। ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं टेनेंट्स का, सिलेक्शन करते हैं, लीज नेगोशिएशन करते हैं, रेंट को रिव्यू करते हैं, भाई प्रॉपरली सारा काम संभाल रहे हैं लोग। तो ये देखो क्या कहते हैं, यस कंपनी क्यू इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। और यहाँ पे क्या था, एज एन एसेट परचेज। ये देखो यहाँ पे एसेट परचेज है और यहाँ पे बिजनेस, फर्क हो गया ना बेटे आंसर का। तो उसकी अकाउंटिंग अलग है और इसकी अकाउंटिंग अलग है। अच्छा जी पांचवा क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जरा,
और मुझे बताओ बिजनेस है कि नहीं है, मैं इसको बिजनेस मानूं या मैं इसको एसेट एक्विजिशन मानूं, क्या मानूं मैं इसको? क्वेश्चन बड़ा बेटे आपने, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कंपनी एस इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। एस के पास काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं और ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आप पढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट एक प्रोडक्ट हो सकता है, ऑपरेटिंग सेगमेंट एक ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है, और अगर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकते हैं। कंपनीज पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम इज मैनेज्ड एज सेपरेट कॉस्ट सेंटर सपोर्टिंग ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एंड द हेड ऑफिस फंक्शन। कोई बात नहीं, कंपनी में जो पेरोल और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है जो कि सारे सेगमेंट का हिसाब रखता है और हेड ऑफिस का हिसाब रखता है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अकाउंटिंग स्टाफ, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, इसको वर्क फोर्स नहीं कह सकते आप, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। कंपनी ए अग्रीज टू एक्वायर द ट्रेड एसेट्स लाइबिलिटीज एंड वर्क फोर्स। वर्क फोर्स, एसेट्स और ट्रेड, ये किसी ऑपरेटिंग सेगमेंट को ले गया, मान लो इसको ले गया ये ए, इसके एसेट्स भी ले गया, लाइबिलिटीज भी ले गया, वर्क फोर्स भी ले गया, इसका रेवेन्यू भी ले गया, तो दिक्कत क्या है? बिजनेस की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है? तो बिजनेस की डेफिनेशन में तीन चीज़ें होनी चाहिए, इनपुट एसेट्स ले गया, प्रोसेसेस वर्क फोर्स भी ले गया, आउटपुट रिवेन्यू भी ले गया, ट्रेड ले गया, बट डज नॉट एक्वायर द पेरोल एंड अकाउंटिंग कॉस्ट सेंटर। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पहले ही बोल के आया हूँ कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, ये जाए या ना जाए इससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी। अच्छा, कंपनी ए इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ एस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए कंपनी एस कंपनी की कॉम्पिटिटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस कॉम्बिनेशन में कौन सा हमने रिश्तेदारी बनानी है? यानी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बिजनेस की डेफिनेशन के लिए कंपनी को एक्वायर करना जरूरी नहीं है। कंपनी का एक ऑपरेटिंग सेगमेंट, कंपनी का एक डिवीजन, कंपनी का एक प्रोडक्ट, कंपनी का एक हिस्सा भी बिजनेस की डेफिनेशन को पूरा कर सकता है। तो अगर मैं उसका एक डिवीज़न लेके आ रहा हूँ, सेगमेंट, कोई एक सेगमेंट लेके आ रहा हूँ और वो सारी कंडीशन पूरी कर रहा है, इसका मतलब मैंने बिजनेस खरीदा है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देखो कितनी बड़ी एनलार्ज हो गई। कंपनी कंपनी को एक्वायर करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी उसके एक छोटे से हिस्से को एक्वायर कर ले, वो टायर बनाता है, वो ट्यूब बनाता है ना, वो गाड़ी बनाता है, कोई भी एक सेगमेंट आप ले आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस की डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है। तो मैं इसमें बोलूंगा कि कंपनी ए ने
एक बिजनेस एक्वायर किया है। हाँ ये एक बिजनेस है, और आप देखोगे तो आपको ये लिखा मिलेगा आंसर में भी। मैं तो डेफिनेशन चेक कर रहा हूँ कि बिजनेस है कि नहीं है। ये देखो आप, सो कंपनी ए अकाउंट्स फॉर द एक्विजिशन एज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन तो है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़िए जरा और मुझे पढ़ के बताइए बिजनेस है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बिजनेस है या नहीं है। जवाब आपको मिल गया होगा, जवाब आपको मिल गया होगा। ये क्वेश्चन पहले कर लिया था हमने। कंपनी ए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कंपनी हैड बीन कंडक्टिंग इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इट्स स्किल्ड वर्कफोर्स रिसेंटली ऑब्टेंड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स ओवर सर्टेन ड्रग्स। बात बन गई, बात बन गई सर। इनपुट है, प्रोसेसेस भी हैं, और पेटेंट मिल गया तो प्रोडक्शन भी हो जाएगी। तो मैंने समझाया था आपको कि रिवेन्यू होना ज़रूरी नहीं है, एबिलिटी टू जनरेट रिवेन्यू होना चाहिए वो है। प्रोडक्ट आज नहीं तो कल बिकना शुरू हो ही जाएगा, तो मैं इसको बिजनेस की डेफिनेशन में लूँगा सर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, है बिजनेस है, बिल्कुल है। और आप देख सकते हो द प्रेजेंट केस कैन बी सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस एज पर इंड एस 103। बिल्कुल बिजनेस है बेटे, इनपुट भी है, प्रोसेसेस भी हैं, आउटपुट की एबिलिटी है, हो जाएगा काम। मान लेना चाहिए चुपचाप, शरीफ बच्चों की तरह मान लेना चाहिए। अच्छा जी बेटे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन पढ़िए। कहते जी पिछले क्वेश्चन में अगर ये एक चेंज कर दें तो। एक चेंज करना चाहते हैं पिछले क्वेश्चन में, क्या चेंज करना चाहते हैं। कंपनी ए हैड रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अ सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स का मतलब होता है मार्केटिंग स्टाफ। मार्केटिंग स्टाफ तो ना ना ना, ये प्रोडक्शन वाला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केटिंग ये सब एक जैसी कैटेगरी में आते हैं। हमें क्या चाहिए, वर्क फोर्स जो प्रोडक्शन में रिलेटेड हो। अच्छा सेल फोर्स है। कहते हैं कंपनी बी ने एक्वायर कर लिया इनपुट, ठीक है जी,
एक्वायर कर लिया प्रोसेस, ये भी ठीक है जी। अदर देन क्या एक्वायर नहीं किया, सेल फोर्स को एक्वायर नहीं किया, बताओ क्या आपके आंसर पे फर्क पड़ेगा? आंसर पे फर्क पड़ेगा नो। अगर सेल फोर्स को नहीं भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? सेल फोर्स इज जस्ट अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। मार्केटिंग टीम बनाना मुश्किल नहीं है, बेचने वाले बंदे मिल जाएंगे आपको, बनाने वाले नहीं मिलेंगे। तो जिस वर्क फोर्स की बात हो रही है बेटे, वो प्रोडक्शन स्टाफ की बात हो रही है। अगर सेल फोर्स को आप नहीं लेके आ रहे अपने साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में चेंजेस नहीं होंगे। मेरा आंसर चेंज नहीं होगा सर, माई आंसर विल नॉट चेंज। ये देखो आप, एज सच द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इज मेट इन द अकॉर्डेंस विद इंडियस 103। ए हैज एक्वायर्ड द बिजनेस। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सेल फोर्स को नहीं लिया तो क्या हुआ? आपके पास स्किल्ड वर्क फोर्स प्रोसेसेस वाली होनी चाहिए, मिल जाएगी सर। तो ये बेटे बिजनेस की डेफिनेशन थी। ये आपके स्टडी मटेरियल में 6-7 एग्जांपल बिजनेस की डेफिनेशन पे थे, आपको बताने ज़रूरी थे, और मैंने 1% भी कटिंग नहीं की ये सोच के कि आप बोर हो जाओगे, आपकी क्लास स्लो हो जाएगी। नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपना कंटेंट सारा डिलीवर किया आपको जो आपके स्टडी मैट में था, छोटे से छोटा एग्जांपल भी बताया आपको। तो प्लीज़ पढ़ लेना, है ना। जब थ्योरेटिकल बात क्लास में चलती है तो लगता है कि क्लास स्लो हो गई है, हो जाती, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा पढ़ के जाओ। पता नहीं पेपर में कौन सा क्वेश्चन कब काम आ जाए आपके। चलें जी आगे। अच्छा, मैं ज़रा अपना क्लास में वापस आता हूँ सर, मैंने यहाँ से शुरू किया था। हाँ, इसके नीचे लिखो रेफर क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 7, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस। 1 से लेके 7 तक ये सारे क्वेश्चन इसी के ही हैं, बिजनेस है कि नहीं है, बिजनेस है कि नहीं है, बिजनेस है कि नहीं है। अच्छा जी बेटे, मेरे पास अब क्या है, सेकंड पॉइंट में आ गया मैं। एसेट्स एक्विजिशन। एसेट्स एक्विजिशन, एसेट्स एक्विजिशन। मेरी बात केयरफुली सुनना प्लीज़, मेरी बात केयरफुली सुनना प्लीज़। मैं इस पर टिक लगा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट। नोटिंग मत करना प्लीज़, नोटिंग बाद में कराता हूँ। मान लो एक कंपनी है वाई लिमिटेड, इस कंपनी ने एक तो प्लांट एंड मशीनरी और एक बिल्डिंग, ये दो चीजें एक्स को बेच दी। वाई कंपनी ने अपना प्लांट और अपनी बिल्डिंग एक्स को बेच दी, और एक्स को इसने ये बेचा है 4 करोड़ रुपए में। प्लांट और बिल्डिंग दोनों 4 करोड़ में बेच दी, लेकिन
एक्स कंपनी ने जब इन दोनों की फेयर वैल्यू पता की कि प्लांट की फेयर वैल्यू क्या है, बिल्डिंग की फेयर वैल्यू क्या है, तो प्लांट की फेयर वैल्यू तो है बेटे 1 करोड़, और इसकी जो फेयर वैल्यू है ये फेयर वैल्यू है सर 2 करोड़, और इन दोनों की टोटल फेयर वैल्यू बनती है 3 करोड़। तो अगर ये ट्रांजैक्शन एसेट एक्विजिशन का है, अगर ये ट्रांजैक्शन एसेट एक्विजिशन का है तो बात को समझने की कोशिश करना, हमने पेमेंट की है 4 करोड़, इनकी कीमत है 3 करोड़। इसका डिफरेंस हम आम तौर पे गुडविल माना करते थे कि मैंने एक्सेस पेमेंट की है, 3 करोड़ के 4 करोड़ दिए तो 1 करोड़ की गुडविल बुक करूंगा। तो यहां पे इंड एएस 103 कहता है कि एसेट एक्विजिशन में गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर ये ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन की होती तो गुडविल भी आती, कैपिटल रिजर्व भी आता, लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन की नहीं है और ये सिंपली एसेट एक्विजिशन है तो आप इसमें गुडविल बुक नहीं कर सकते, ना इसमें गुडविल होगी ना इसमें कैपिटल रिजर्व होगा। अब होगा क्या, हम इसमें ये प्लांट है सर, ये बिल्डिंग है, ये 1 करोड़ है, ये 2 करोड़ है, ये 3 करोड़ है, इस रेशो में मतलब 1:2 को 4 करोड़ को बांट लेंगे। एसेट्स की फेयर वैल्यू की रेशो में, एसेट्स की फेयर वैल्यू की रेशो में आपका परचेज प्राइस एलोकेट कर देंगे हम। मान लो यहाँ पे 1.3 आ गया, यहाँ पे 2.67 आ गया, तो हम ये मानेंगे कि ये प्लांट की कॉस्ट है, ये बिल्डिंग की कॉस्ट है, लेकिन गुडविल बुक नहीं करेंगे हम। इस 4 करोड़ को ही हम एसेट्स पे एलोकेट कर देंगे, और वो भी उनकी फेयर वैल्यू की रेशो में। और अगर ये एग्जाम्पल बिजनेस एक्विजिशन का होता तो बिजनेस एक्विजिशन में क्या होता, हम एंट्री पास करते प्लांट डेबिट 1 करोड़, बिल्डिंग डेबिट 2 करोड़, गुडविल डेबिट 1 करोड़, टू कैश 4 करोड़। देखो बेटे फर्क हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप मार खा गए बिजनेस कॉम्बिनेशन को ढूंढने में और एसेट एक्विजिशन को ढूंढने में, नंबर कट जाएंगे। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में गुडविल और कैपिटल रिजर्व 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, और आपका एसेट एक्विजिशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें तो सिंपली आपका जो परचेज प्राइस है वो फेयर वैल्यू की रेशो में बढ़ जाएगा। अगर परचेज प्राइस कम है तो भी, और अगर परचेज प्राइस ज्यादा है तो भी, ज्यादा है तो गुडविल नहीं आएगी, कम है तो कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। हम अपने एसेट्स की कॉस्ट को ही एडजस्ट कर लेंगे फेयर वैल्यू की रेशो में। इसलिए ये आपको डेफिनेशंस क्लियर होने चाहिए थे कि बिजनेस खरीदा के एसेट्स खरीदे, क्योंकि दोनों में अंतर है। तो अगर मैं आपको एसेट एक्विजिशन की बात समझाऊं बेटे इसमें, अगर मैं आपको एसेट एक्विजिशन की बात समझाऊं इसमें, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंड एएस 103, द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स should be considered. Assets are acquired point number 1
देयर विल बी नो गुडविल और कैपिटल रिजर्व फॉर द डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स. नंबर टू the purchase price will be allocated over the assets in the ratio of fair values नंबर वन बिजनेस कॉम्बिनेशन की तरह ना तो कोई गुडविल आएगी ना ही कोई कैपिटल रिजर्व आएगा. नंबर टू परचेज प्राइस को एलोकेट कर देंगे हम इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू. जिंदल सर क्या इस पे कोई क्वेश्चन है आपके पास? हाँ है, मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटे इसके ऊपर, मैं आपको चेक कराता हूँ. बिल्कुल है, आठवां क्वेश्चन पढ़ लो, अपना अपनी बुक खोलो और आठवां क्वेश्चन पढ़ो. जिन बच्चों ने नोटिंग कर ली है वो अपना आठवां क्वेश्चन पढ़ें प्लीज. मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ बेटे आठवां क्वेश्चन. लो जी आठवां क्वेश्चन देखो आप, ये रहा जी क्वेश्चन नंबर एट. मैं पढ़ा देता हूँ आपको क्वेश्चन बेटे. एक्स लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड अ ग्रुप ऑफ एसेट्स कंप्राइजिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. अच्छा जी, फर्नीचर, ओके, इक्विपमेंट, वेरी गुड, एंड सॉफ्टवेयर. कितनी चीज़ें हो गई हैं? चार. प्लांट, फर्नीचर, इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, चार चीज़ें खरीदी हैं एट अ कम्बाइंड प्राइस ऑफ 400 लैक्स, 4 करोड़ की खरीदी हैं. एसेट्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस एज पर, ये बिजनेस की डेफिनेशन को पूरा नहीं करता. हाउ वुड एक्स लिमिटेड मेजर दीज एसेट्स फॉर पर्पज ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन. द फेयर वैल्यूज जो हैं वो 113 इंडेस के हिसाब से हैं, ठीक है. इंडेस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट के ऊपर है बेटे. तो ये कहता है
हमने इंड एएस 113 फेयर वैल्यू के थ्रू मेजरमेंट कर ली है, और 1, 2, 3, 4 लो जी रेशो बन गई है 20, 3, 5 एंड 7। इस रेशो में हम 400 लाख को बांट देंगे। तो बना सकते हैं स्टेटमेंट, आ जाओ 230, 50, 70 स्टेटमेंट शोइंग। एलोकेशन ऑफ परचेज प्राइस, एलोकेशन ऑफ परचेज प्राइस मैं इसमें लिखूंगा जी एसेट्स, मैं इसमें लिखूंगा जी फेयर वैल्यू, मैं इसमें लिखूंगा जी एलोकेटेड प्राइस। रेशो लगा लो आप, सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, दो सौ तीस पचास सत्तर 350, तो 20, 3, 5, 7 टोटल 35, 400 का एलोकेट करना कर देते हैं। कैलकुलेटर देना जी मुझे जरा, ट्वेंटी बाय 35 × 400 तो ये आ गया 228.57। थ्री बाई 35 × 400 34.29, 5 by 35 × 400 तो आ गया 57.14 एंड 80। We have adjusted purchase price in the ratio of fair values. We have adjusted purchase price in the ratio of fair values of acquired assets but
विदाउट रिकॉग्नाइजिंग विदाउट रिकग्नाइजिंग एनी गुडविल और कैपिटल रिजर्व। यही फ़र्क है बेटे बिजनेस कॉम्बिनेशन में और एसेट एक्विजिशन में। तो अगर आपको ये पता हो ना कि आप खरीद क्या रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी अकाउंटिंग हो जाएगी। तो ये अपना आज का बेसिक लेक्चर था। आप ये मान के चलें कि मैंने आज इंड एएस 103 शुरू ही नहीं किया, यह तो इंट्रोडक्शन है। मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन तो बताया ही नहीं, मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन पे कोई चर्चा ही नहीं की आज, मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं बोलूँगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको इतना समझें, इसको वेरीफाई करें, इसको एनालाइज से रिवाइज करें, आप अगली वीडियो में चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, वेरीफिकेशन वाली कोई बात नहीं है, आप अगली वीडियो अभी देख सकते हैं। मालिक हैं, पेन ड्राइव आपके पास है, आप चाहे दो वीडियो देखें एक जैसे। पर मुझे लगता है कि आज के लिए इतना इनफ है, बाकी कल की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। इसको प्लीज़ रिवाइज कर लेना प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।